एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। इसके लंग्स में पानी नहीं है और उसके सर के पीछे देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, पटकने के निशान है ये। इसका मतलब है जब वो पानी में गिरी उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसका मतलब इसका खून हुआ है, ऐसा ही लगता है। इनकी मौत का वक्त क्या होगा? मुझे लगता है रात को करीब 10 और 12 के बीच। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ लंबे समय तक रहने वाले हैं? सोचा तो है। बात यह है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोकल हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मगर कई बार मैं पुलिस को एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते मदद करता हूं, तो आपको किसी भी वक्त मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। थैंक यू डॉक्टर। अलेक्जेंडर फ्रांसिस। मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है कोई बुरी खबर है। एना, एना, क्या बात है? तात्याना कुलशोव्स की मौत हो गई, उसकी लाश नदी में मिली है। क्या मतलब नदी में मिली? वो डूब गई थी, अब क्या होगा? ये तो बुरा हुआ, वो भी कल रात के बाद। तुम्हें कैसे पता चला? वो आज मैं सुबह वहाँ साइकिल चला रही थी और वहाँ पुलिस। मैं समझ सकती हूँ पेत्रो को कैसा लगता होगा। मुझे उसके पास दिलासा देने जरूर जाना चाहिए। हाँ, सच कहा, ये बहुत दुख की बात है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तातियाना अब हमारे बीच में नहीं रही। उलियाना ने मुझे कल रात के बारे में बताया था, और तुम्हें कुछ हो गया था ना? कुछ नहीं, मुझे बस वहाँ थोड़ी घुटन हो रही थी। नहीं, तुम जैसी जवान लड़की को ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे वादा करो फिर ऐसा नहीं होगा। भावने। पेत्रो, मैं हूं, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे अकेला छोड़ दो। देखो दरवाजा खोलो, मुझे पता है इसकी वजह तुम हो। दिमाग खराब है क्या उलियाना? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ क्यों रुकना है? निकल जाओ यहाँ से पेत्रो। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे परवाह नहीं तुमने जो किया है पेत्रो, लेकिन तुम सिर्फ औरतों को नदी किनारे ले जाते हैं और फिर वो पानी में गिर जाती है ना? ये सिर्फ एक संयोग था, एक भयानक संयोग। सुना तुमने? इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, देखो हमारे पास बहुत कुछ है, चलो चलते हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। देखो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, वो तुम ही थे और ये मैं साबित कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था।
कल तो वो थी मगर आज वो नहीं है। कोई उसे रोक नहीं पाया। कल हमारे यहां मेहमान थे, वो मजाक कर रही थी, हंस रही थी। मेहमान कौन थे? सिर्फ हमारे खास दोस्त और रिश्तेदार थे, ग्रोमोबा, मिरोनोव और टीचर सेमियोनोव भी थे वहां, मजेव पेंटर। सेमियोनोव और मजेव किसके दोस्त हैं? तातियाना के। उससे अपने करीब अजीब हस्तियों को रखना पसंद, कभी पेंटर या कोई लेखक। आपका एतराज नहीं हुआ? प्लीज, मेरी बीबी एक अच्छी औरत थी। वो सब पेंटर्स, वो बस निर्दोष मजाक करती थी और कुछ नहीं। कल रात जब ये सब हुआ, इसके पहले क्या कुछ भी अजीब सा हुआ था? हाँ, एक बात जरूर हुई थी। जानते हो, तातियाना एक क्रिया करवाना चाहती थी, मैंने मना नहीं किया। पियोत्रो मिनोरो शहर में आया हुआ है, वो मीडियम है। हाँ, एक बात और, उसने कल उसकी निश्चित मौत होने की आगाही की थी। सब बकवास था और कुछ नहीं, सब ये सुनकर अजीब महसूस कर रहे थे। माफ कीजिए सर, जब आपकी बीवी पूरी रात भर घर पर नहीं आई थी तो आपको फिक्र नहीं हुई? ऐसा है, हमारे बेडरूम अलग अलग हैं। मैं मेरे कमरे में जल्दी चला गया और सुबह जब वो नाश्ते के लिए नहीं आई तो मैंने उसे जगाने की परवाह नहीं की, और उसके बाद जब पुलिसमैन यहां आए तब। मैं केस की सब डिटेल्स तो नहीं बता सकता मगर आत्महत्या नहीं हुई है, मुझे इस बात का यकीन है। वैसे कुछ और याद आए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। रुकिए, यहाँ और भी कुछ है। ये उसके कमरे से नौकरानी को कुछ देर पहले मिला था। आप इस लिखावट को पहचानते हैं? नहीं, आपने देखा नहीं? ये ब्लॉक लेटर्स में लिखा है ताकि आप हैंडराइटिंग पहचान ना सके। थैंक यू, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। ओके, जो भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुलेशोव ने अपनी बीवी को मारा होगा सर। कोई मकसद नहीं दिखाई देता, वो दोनों अलग कमरे में सोते थे, इसके बावजूद हम इसके पति के बारे में कुछ खास नहीं कह सकते क्योंकि अक्सर इस उम्र के लोग अपनी पत्नी से दूर रहकर ही जिंदगी बिताते हैं। अच्छा, उसका कहीं और चक्कर तो नहीं है ना? मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम्हें क्या लगता है? देखो, वो जो नोट हमें मिला है वो थोड़ा सा अजीब है। तुम शहर में जाओ और सारे 5 साल पुराने केस ढूंढ निकालो, मैं जाकर उस मीडियम से मिलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये सब बहुत बुरा हो रहा है, मैं आज चीफ पुलिस से मिलने जाऊंगा और सब पता लगाता हूँ। और अपने भाई से भी बात करना, वो काफी मायूस है। हाँ जरूर। तुमने किसी को बुलाया था? यहाँ तो कोई खुद मिलने आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम डिटेक्टिव स्टोलमैन, मैं मिस्टर मिरोनोव से बात करना चाहता हूँ। मिरोनोव जी, बताइए। मैं आपके भाई से बात करना चाहता हूँ। मेरे भाई से क्या बात है? मैं कुलुशोवा की मौत की जांच कर रहा हूँ और मैं उस बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा मगर प्योतर का इससे क्या लेन देना? वैसे मैं लॉयर हूँ। ये बस फॉर्मेलिटी है, कुछ नॉर्मल सवाल है। रस्कोवा, जरा प्योतर को ढूंढ कर ले आओ और तुम इन्हें मेरे स्टडी रूम में ले जाओ। तब तक आप बैठ क्यों नहीं जाते? मारिया मिरोनोवा। याकोव स्टोलमैन। ये हमारी बहुत अच्छी पड़ोसी हैं, उलियाना। आपसे मिलकर खुशी हुई। बेचारी तातियाना, बेचारी तातियाना, कल वो कितनी खुश लग रही थी, सब उसको देख रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, जबकि असल में मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका
पति वहां सबको देखकर इतना खुश नहीं था, उसे वो पसंद नहीं आ रहा था। इस बारे में आपको क्या लगता है? सिमियोनेव और मजेव, वो दोनों उसे फंसाना चाहते थे। मिस्टर पेत्रो स्टडी में इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं लॉयर की हैसियत से मौजूद रहना चाहूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने मिसेस कुलुशोवा की मौत की आगाही की थी, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं की। ठीक है, नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? क्या होना था, प्रक्रिया पूरी हो गई और सब लोग इधर उधर चले गए। और उसके बाद? उसके बाद मैंने कुलशोवा को मेरे साथ चलने के लिए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत थी। मुझे लगा कि उस पर प्रक्रिया का बहुत बुरा असर हुआ था, तो मैं उसे समझाने के लिए सबसे दूर ले गया, ये बताने के लिए कि मौत की आगाही करने से मौत नहीं हो सकती है। और आप लोग कहाँ गए थे? नदी के पास। वापस कब आए? दरअसल मैं वहाँ से अकेला ही आया था, क्योंकि कुलशोभा ने कहा कि वो वहाँ पर अकेले रहना चाहती है, तो उसे छोड़कर मैं चला आया। उसके बाद मैं और मेरी भतीजी घर आ गए। मतलब उसके बाद आपने कुलशोभा को वापस नहीं देखा, राइट? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि मैं आपको कुलशोभा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर सकता हूं? देखिए, ये सब गलत इल्जाम है, ये झूठ है। क्या मैं खूनी हो सकता हूं? मैं खूनी? सब बकवास है ये। आपका इल्जाम बेबुनियाद है। जांच से सब पता चल जाएगा। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और इन हालातों में मुझे कानूनन आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मैं आपकी कार्रवाई के खिलाफ अपील करूंगा। बेशक, ये आपका हक है, कीजिए। गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ये क्या किया तुमने? तुमने एक तरह से गुनाह को कबूल कर लिया है। तुम्हें उसे नदी के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? बताओ, मैं क्यों छुपाऊं आखिर? सबने देखा था कि हम दोनों साथ गए थे, और फिर मैं अकेला वापस आया था, तो उसमें छुपाऊंगा क्यों? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और मैं झूठ बोलूंगा भी नहीं। झूठ मत बोलो, लेकिन इस तरह सब सच बता देने की क्या जरूरत थी? देखो, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं मैं। डिटेक्टिव स्टोलमैन, आप यहां क्यों आए थे? मैं यहां तुम्हारे अंकल से कुछ पूछताछ करने के लिए आया था। आपको मेरे अंकल पर शक है? ये बेबुनियाद है। मेरे अंकल कभी किसी को नहीं मार सकते। और तुम नदी के किनारे क्या कर रही थी? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। वो परेशान थी और उसे समझा रहा था। उसे बताना चाहता था कि वो लफ्ज जो मेरे मुंह से निकले थे वो मेरे नहीं थे, वो आत्मा उससे कह रही थी। बस यही समझाना चाहता था। उसके लिए आपको नदी किनारे जाना जरूरी था? इसका जवाब मत देना, जरूरत नहीं है। मुझे बताइए कि आपका कुलशोभा के साथ कैसा रिश्ता था? जल्दी से जवाब दीजिए। वैसे आप कह सकते हैं कि हमारा रिश्ता थोड़ा रोमांटिक था, आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं। मतलब कि आप दोनों लवर्स थे, राइट? फिर क्या हुआ कि आप दोनों में लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने बात की और फिर उसने कहा कि वो थोड़ा चलना चाहती है बस। और एक औरत को आप सुनसान जगह पे छोड़कर वापस चले आए? ऐसा उसने ही कहा था, उसने ही कहा। मतलब आप दोनों में लड़ाई हुई थी, राइट? मुझे लगता है मेरे भाई ने जांच में आपकी काफी मदद कर दी है, अब उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ओके, अंदर आइए।
इन्हें अरेस्ट कर लो जब तक कि हमारी जांच पूरी ना हो जाए। तात्याना कुलशोब्स की आत्मा आओ, आओ, तात्याना कुलशोब्स की आत्मा आओ। ना, रुक जाओ। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डरने जैसी बात नहीं है। दरअसल कल रात तो आपने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। मुझे यकीन नहीं होता। माफ कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। देखिए सुनिए, इस अजीब और भयानक मौत के बाद मैं भी यहाँ आना चाहता था। किस लिए? पता नहीं, बस आना चाहता था। बेचारी तातियाना, सुंदरता और मौत हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्यार और मौत भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप जानती हैं, मैं कविता लिखता हूँ। आपने कभी मेरी कविता की किताब पढ़ी है? थोड़ी बहुत। और आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? अच्छी है, भावनात्मक। शुक्रिया। पता है मुझे उससे एक तरफा प्यार था, और मुझे तो लगता है उसका खून हुआ है। आपको क्या लगता है खून किसने किया है? तुम्हारे अंकल ने उसे आखिरी बार देखा था। क्या मतलब है आपका? ये सच है। जब मेरे अंकल कुलशोब्स को यहाँ छोड़कर गए थे तब वो जिंदा थी, मगर आप हमारे बाद निकले थे। हो सकता है उसके बाद आप नदी के किनारे गए हो। नहीं, मगर मज़ेव, हाँ मज़ेव गया होगा। ऐसा हो सकता है कि हम लोग के जाने के बाद वो वहाँ गया होगा। वो अपनी लकड़ी भूल गया था। और आप उसके लिए रुके थे? नहीं नहीं, मैं तो चला गया। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो। ऐना, तुम इस तरह साइकिल चलाते हुए बहुत अच्छी लगती हो। सुनो ऐना, thank you.
मिस्टर मजीब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी नींद खराब हो गई। आपका दरवाजा खुला था, मैंने आवाज दी थी। ये लीजिए आपकी हैट। हाँ रख दो उसे, मैं जरा पानी पीता हूँ। वो मेरी ही हैट है। हाँ मैं जानती हूँ, आपको कुछ पता चला? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, भयानक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम यहाँ किस लिए आई हो। दरअसल मुझे आपकी मैं आपकी लकड़ी खरीदना चाहती हूँ। लकड़ी? हाँ मेरी लकड़ी। तुम्हें क्यों चाहिए? उसकी बनावट बहुत अच्छी है, मेरे पिता भी उन्हें इकट्ठा किया करते थे। मैं उन्हें तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ। इसके अलावा भी कुछ चाहिए? बस आपकी लकड़ी। हाँ मैं अभी थोड़ा मसरूफ हूँ, ये काम हम बाद में कर लेंगे। फिर तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा, ठीक है? हाँ जरूर, मगर क्या आप उसे कुलशोफ्स के घर से लाए थे? हाँ लाया तो था, या शायद नहीं लाया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये बताओ लड़की, ये ऐना तुम ही हो ना? वैसे मैं तुम्हारे लिए वो लकड़ी ढूंढ के रहूंगा, अभी मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं बाद में ढूंढता हूँ वो लकड़ी। हाँ, ठीक है? है मैं ढूंढता हूँ, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगी। हाँ, ठीक है ठीक है, तुम कुछ दिनों बाद आ जाना। शुक्रिया, अच्छा रहेगा, मिलते हैं। बढ़िया, हाँ जाओ। डिटेक्टिव स्टॉलमैन, तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, उस डूबी हुई लड़की का नाम था यकटेरिना सवुश्किना। 5 साल पहले की फाइल? हाँ बेशक, मगर इसमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ नहीं था। वैसे मैंने शहर में जांच की, सवुश्किना की सगाई हो चुकी थी और पता चला है कि उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो नदी में कूद गई थी। गौर करने की बात यह है कि उस वक्त उसका चक्कर किससे चल रहा था जानते? नहीं तुम बताओ मुझे। हमारे मीडिया से। मतलब मिरोनोव से? जी हाँ, ये कहानी कुलशोवा की कहानी से बहुत ज्यादा मिलती है। अंदर आ जाओ। सर कोई आया है, कह रहा है ये कुलशोवा के बारे में है। अंदर भेज दो। यस सर, प्लीज आइए। प्लीज ये देखिए, इसी हथियार से खून हुआ है, मजेव की लकड़ी, और ये मुझे स्लोप पर मिली। क्या मैं देख सकता हूँ? ये तो खून ही लग रहा है सर। तुम्हें यकीन है कि ये मजेव की लकड़ी है? बिल्कुल, मैंने इसे अच्छे से देखा था। तो तुम्हें मुझे वो जगह दिखानी होगी, ओके? हाँ जरूर। एंटोन एक काम करो, मजेव को मेरे पास लेकर आओ अभी फौरन। जी लाता हूँ सर। रिवॉल्वर साथ ले जाओ। तुम्हें शूट करना आता है ना? यकीनन, मैंने शूटिंग गैलरी में काम किया है। ठीक है, इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। जी ठीक है। आप चाहें तो मेरे साथ गाड़ी में आ सकती हैं, रास्ता काफी लंबा है। कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी, चिंता मत करो। चलो उठ जाओ, मैं पुलिस का आदमी हूं, उठो। रुक जाओ,
पुलिस, अरे वो पुलिस, चोर, क्या हुआ? अंदर है, अंदर चोर है, घर में चोर घुसा है। मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अंदर चोर है, उसे पकड़ो। बुरा बुरा, उसे पकड़ो, वो चोर है, पकड़ो उसे, रोको उसे। यही वो जगह है। ये कदमों के निशान तुम्हारे हैं क्या? हो सकता है, या फिर ये पुलिस के आदमियों के हो सकते हैं, मगर फिर भी वो मर्डर वेपन ढूंढ नहीं पाए। माफ करना, मैं काम में मशरूफ हो गया था, तुम्हें शुक्रिया कहना भूल गया। बॉडी वहां गिरी थी और इस स्लोप से होकर शायद पानी में गिर गई हो। यहां और वहां खून दिखाई दे रहा है, तुम उधर देख सकती हो, काफी खून है। तुम्हें कैसे पता चला कि लकड़ी कहां पड़ी है? क्या तुम्हें कोई दिव्य दृष्टि मिली है? आपको कितने लोगों पर शक है? पहला मज़ेव, उसने शायद लकड़ी को छुपाया हो, फिर उसे ढूंढने आया हो और नदी के पास गया हो। बिल्कुल, वैसे भी वो कबूल नहीं करेगा कि उसने वो हथियार खो दी थी। मैंने चेक किया, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। उसके बाद हो सकता है सेमयोनोव ने वो लकड़ी छुपाई हो, फिर मज़ेव उसे यहाँ ढूंढने आया होगा, तब उसे नहीं मिली होगी और वो घर चला गया होगा। सेमयोनोव खुद लकड़ी को ले गया होगा और चट्टान के पास जाकर कुलशोव्स को मार दिया होगा। और उसके बाद? उसके बाद तुम्हारे अंकल? नहीं, मेरे अंकल नहीं हो सकते, उनके पास कोई लकड़ी नहीं थी। वो लकड़ी के बिना ही वापस आए थे और वो हर वक्त सबकी नजरों के सामने थे। एना, तुम खुद भी तहकीकात कर रही हो। क्या करूं, पुलिस अपना काम कर ही नहीं पा रही है। वैसे सेमयोनोव आज मुझसे अजीब तरह से बात कर रहा था, कैसे प्यार और मौत एक साथ जुड़े होते हैं। और वो कुलशोवा से प्यार करता था और उसके लिए कुछ कविताएं भी लिखी थी, पहले प्यार के बारे में फिर मौत के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, मज़ोब ये नहीं कर सकता, ये सेमयोनोव हो सकता है। मुझे कुछ चेक करना है। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है। समय पहले की बात है, मुझे याद भी नहीं है कब, इतने साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मेरा थका हुआ दिल अतीत को भूल चुका है। बहुत समय पहले की बात है, मुझे याद भी नहीं है कब, वो सारे सपने, वो आशाएं, थोड़ी उदासी और प्यार भरा मेरा दिल और मेरी आंखों में ना रुकने वाले आंसू। मेरी जिंदगी बेजान सी है, दिन रात मैं जिंदगी की जंग लड़ रही हूँ। मैं खुद अपना फैसला करती हूँ, खुद मेरी कैद में, मैं ही जल्लाद और हथियार हूँ। मैं अपनी लकड़ी के लिए आया था और वो वहां पर नहीं थी, मुझे लगा शायद मैंने उसे खो दिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे मन में आया, ऐसा नहीं होगा, वो लोग शरीफ हैं। मैं वापस गया मगर सेमयोनोव वहां नहीं था, वो बिना इंतजार किए निकल गया। सर, ये बचकर भाग रहा था, दो ऑफिसर्स और मुझे इसके पीछे भागना पड़ा। तुमने भागने की कोशिश क्यों की? मुझे कैसे पता चलता कि ये पुलिस वाला है?
इसके चेहरे पर कभी गौर किया है? अगर कोई आपको देखे तो कह सकता है आप पुलिस वाले हो, लेकिन ये तो चोर के जैसे दिखता है, चोर के जैसे। ये लीजिए। क्या ये? इसके घर की तलाशी ली है तो मुझे ये खत मिले हैं, कुछ दिलचस्प जानकारी मिल सकती है। तो तुम्हें खत लिखने का काफी शौक है हम? आप लेडी ग्रोमोवा को खत लिखते थे? खैर, उन्होंने मुझे उस मनहूस डिनर का न्योता दिया था। येवग्रेशन, मिस्टर मजेव को यहां से जाने दो। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, ये तो आप नहीं ले सकते, इसे हमें रखना होगा सबूत के तौर पर। वापस देना मत भूलना, कह देता हूं। मुझे इस पर यकीन है। तुम अभी मिरोनोव के घर जाओगे। देखो, मुझे वो सारे खत चाहिए जो उन्हें हॉल में मिले थे, समझ गए? खत चाहिए। हाँ, ओके। एना रुको, रुको एना, रुको। मैं सैमनाओ, तुम इतनी जल्दी चल रही थी कि मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं पाया। मैं घर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किस लिए? मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। मौसम बहुत अच्छा है, हम नदी किनारे जा सकते हैं। नदी किनारे? हाँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। कोई बात नहीं, वो तुम शाम को कर लेना। तुम जानती हो नाइटिंगेल्स कैसे गाती हैं? नहीं नहीं, आज मैं पूरे दिन बहुत व्यस्त हूँ। एना माय डियर, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। एना रुको, मेरी बात सुनो। मैं बड़ी मुश्किल से पिछले कुछ घंटे बिता पाया हूँ, जब से सुबह से मैंने तुम्हें देखा है। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें सुबह देखा था, ताजगी से भरपूर, अपनी साइकिल पर सवार उड़ते हुए तुम बिल्कुल परी लग रही थी। प्लीज चुप हो जाइए। एना मेरी जान, मेरी बात सुनो, तुमने मेरी दुनिया बदल दी है, मैंने तुम्हारे लिए शेर भी लिखा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये मेरी कविता है, इतने दिन के बाद भी तुमने संभाल के रखी। नहीं, मेरा मतलब, हाँ, मेरा मतलब नहीं। जान सा खूबसूरत चेहरा, और ये याद है तुम्हें जब पहाड़ी, माफ करना, ये इसलिए क्योंकि तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मैं था? हाँ, मुझे न्यूज़पेपर दे दो, मुझे न्यूज़पेपर दे दो। एना, तुम देती हो या नहीं, न्यूज़पेपर दे दो। छोड़ दो उसको। एंटोन दोस्त, 1884 की क्लास का? मैं तुम्हारा एंटोन दोस्त नहीं हूं, मैं अभी ड्यूटी पर हूं, और तुम अब गिरफ्तार किए जाते हो। चलो मेरे साथ। आप कबूल करते हैं कि आपने खून किया? कौन सा खून, मैंने तो सिर्फ प्यार की कविताएं लिखी हैं। सही कहा तुमने, पहले प्यार की और उसके बाद मौत की। देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि मेरी दोनों महबूबा मर गई, यह सिर्फ एक संजोग है। आप इससे कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूव नहीं कर सकता तो मतलब आप निर्दोष नहीं हैं। शब्दों के मन चाहे अर्थ मत निकालिए। तुम जा सकते हो। क्या तुम जा सकते हो? सच में? किसी को कविता लिखने के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सच में? मेरे अंकल को गिरफ्तार क्यों किया? आज से लगभग 5 साल पहले सवुष्किना की मौत हुई थी, और उसके बाद तुम्हारे अंकल शहर छोड़कर चले गए थे, और उनके वापस आने के बाद फिर से शहर में मिसेस कुलशोवा की मौत हो गई,
उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? देखो आना, सबको यही लगता है कि कसूरवार वही हैं, यही वजह है। मैं साबित कर दूंगी वो बेकसूर है। हमें बस ये करना है कि कातिल खुद को कानून के हवाले कर दे। और ये कैसे होगा? बहुत आसान है, हमें बस एक क्रिया करनी होगी। मैं कुशोव से बात करूंगी, हम सबको फिर से बुलाएंगे, जो लोग भी वहाँ मौजूद थे। बस आपको वहाँ अंकल को जाने देना होगा। ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों? इससे आपको तहकीकात में मदद मिलेगी। किसी भी हालत में मैं संदिग्ध को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दे सकता। डिटेक्टिव स्टोलमैन, कातिल नहीं जानता कि वो संदिग्ध है, वो खुद को कबूल कर लेगा, आप देख लीजिएगा। देखो एना, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। डिटेक्टिव प्लीज, चिंता मत कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। डिटेक्टिव स्टोलमैन, ठीक है, लेकिन मैं अंकल को खुद लेकर आऊंगा। तो फिर कल कुशोव्स के घर मिलते हैं। एंटोन, तुम क्या कहते हो? मैं इस लड़की का आखिर क्या करूं, बोलो। इसे कहीं घूमने ले जाइए। क्या? शहर से बाहर कहीं दूर। क्यों? अब आपने सलाह मांगी इसलिए मैंने अब शायद मैंने आपको गलत समझा। मैंने सभी को नहा था। कोई बात नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है। मैंने सभी लोगों को 9 बजे तक आने के लिए कहा था। मैं चाहता हूं कि आप घर के सारे नौकरों को बुलाइए अभी के अभी। ठीक है, आ जाइए। आप लोग इस लकड़ी को पहचानते हैं? प्लीज अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आप कैसे हैं? मैं थोड़ा परेशान हूं। अगर इससे कुछ फायदा नहीं हुआ तो तुम्हें पता नहीं आत्माएं कितनी सन की हो सकती हैं। तुम ये नहीं कह सकती कि वो कब क्या करेंगी। देखिए, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करिए। ये लीजिए। जैसे कि सब लोग यहां पर आ चुके हैं तो अब हम शुरू कर सकते हैं। अब आप सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। तत्याना, तुम्हारा कत्ल किसने किया? नहीं कर सकता, मैं माफी चाहता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। सॉरी, मुझसे नहीं हो पा रहा ये। आई एम रियली सॉरी। बस बहुत हुआ, तुमने हम सबको आधी रात में यहां बुलाया। सही कहा तुमने, ये सब क्या मजाक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब शांत हो जाइए और सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। ये क्रिया मैं खुद करूंगी। पता नहीं क्या होगा, पर ये लड़की कह रही है तो मुझे मंजूर है।
सब लोग प्लीज अपने हाथ स्लाइडर पे रखिए। आओ तात्याना की आत्मा, आओ आओ तात्याना की आत्मा, आओ आओ सवुष्किना की आत्मा, आओ आओ। ग्रुमोवा, उन्होंने ग्रुमोवा लिखा है। ग्रुमोवा क्या मतलब है इसका? प्लीज ये क्या मजाक है? आपने आपने सवुष्किना और कुलशोवा को मारा है? प्लीज होश में आ जाओ ना। बैठ जाइए। आप लोग भूतों की बातों पर भरोसा करके मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, पर ये वो नोट्स हैं जो मरने वालों को उनकी मौत से पहले मिले थे। ये कुछ अजीब से अक्षरों में लिखे गए हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किसने लिखे हैं। और ये वो खत हैं जो मिस्टर मजेफ के घर से मिले हैं, और इनकी हैंडराइटिंग आपसे काफी मिलती है, और इस पर आपके सिग्नेचर्स भी हैं। और ये वो खत हैं जो आपने मिस्टर मिरुनोव को लिखे थे। इन सभी खतों में कुछ एक जैसी सी समानता है, इनके कागज एक जैसे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कागज? बहुत से लोग ऐसा ही कागज इस्तेमाल करते होंगे। मैंने पूरे शहर में चेक किया है, पूरे सेंटोक्स में ऐसे कागज और कोई नहीं बेचता। यहाँ खरीदना मुश्किल है। ये सिर्फ जर्मनी में मिलते हैं, जहाँ 5 साल पहले कहीं थी मैम। ये कोई सबूत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, ये कोई सबूत नहीं है, ये तो संजोग भी हो सकता है, पर मेरे पास एक सबूत है। अंदर आ जाओ। अब बताओ तुमने उस शाम को क्या देखा, सब कुछ साफ साफ बताओ, बिल्कुल शुरुआत से जो कुछ भी हुआ था बताओ हमें। जब सब मेहमान यहाँ से जाने लगे तब मिस्टर मजे अंदर के रूम में उनकी लकड़ी भूल गए थे। कौन सी वाली लकड़ी? ये वाली। उसके बाद क्या हुआ? और फिर उसके बाद मैंने लेडी ग्रुमोवा को उसे लेके जाते हुए देखा। मैं मिस्टर मजेव को वापस देना चाहती थी। लेकिन ऐसा क्यों? उसके बाद क्या हुआ? लेडी ग्रुमोवा कहाँ गई थी? वो नदी के पास गई। मैं भी बहुत हैरान हुई थी। अब मुझे लगता है कि सारी बातें बिल्कुल साफ साफ हो चुकी हैं। मिसेस कुलशोवा नदी में मरी हुई पाई गई और उनकी मौत इसी लकड़ी से हुई। इस पर अभी भी खून लगा हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मिस्टर मुरुनोव ने तुम्हें 5 साल पहले धोखा दिया था, जब वो तुम्हें छोड़कर गए थे और येकटेरिना सुविश्किना से रिश्ता जोड़ लिया था, और उस धोखे को आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपने उस लड़की को खत्म करने की कोशिश की, मगर मिस्टर मिरुनोव चले गए और 5 साल के बाद वापस आए, और आपके लिए नहीं, वो इस बार वापस आए थे तातियाना के प्यार के लिए। मैंने तातियाना को मेरे साथ चलने के लिए कहा, मुझे डर था कि वो हादसा हो सकता है शायद। तो इसलिए आप इस क्रिया के बहाने आए और उसकी मौत की एक झूठी सी आगाही भी की आपने, है ना? मुझे लगा था कि कहीं वो डर ना जाए। मगर हुआ कुछ और ही। तो उस रात आपने देखा मिस्टर मजेव उस लकड़ी को भूल गए हैं, और तभी आपने
वो लकड़ी ले ली और नदी के पास चली गई। सब कुछ साफ है, आपने कत्ल किया। आपको दो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है लेडी ग्रोमोवा। वो दो लोग हैं तातियाना कुलशोवा और यैकटरीना सुविश्किना। अब तुम खुश हो? ये सब ऐसा नहीं होता। अगर तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते जैसे मैं करती थी। क्या हुआ, क्या बात है? अंत भला होता है तो सब भला होता है। अगर तुम्हें लगता है कि खूबसूरत जवान लड़की की मौत एक अच्छा अंत है जिससे मैं प्यार करता था, उस औरत के हाथों जिससे मैं पहले कभी प्यार करता था, जबकि मीडियम मैं नहीं हूं। बस कीजिए, बस कीजिए। आप आजाद हैं और जिंदा है यही मायने रखता है, और खूनी का पता चल गया है। प्यार सबसे खतरनाक चीज है, फिर चाहे वो धरती पर हो या फिर स्वर्ग में हो, है ना? ये सबसे खूबसूरत है और सबसे भयानक भी। मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारे अजीब तरीकों के बावजूद तुमने केस सुलझा ही लिया। मैंने नहीं, मैंने तो कातिल को सिर्फ डराया है। नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, नहीं तो मैं किसी निर्दोष आदमी को जेल में डाल देता। सब कुछ तुमने किया है, तुम नहीं होती तो शायद ये सब पूरा नहीं होता। आपको मुझ पे यकीन नहीं होगा। ठीक है, पर पूरी कहानी में एक अच्छी बात ये हुई कि अंत सामने आ गया। हाँ, आपकी नई पोस्टिंग में आपकी पहली जीत हुई है। जी नहीं, मेरी तुमसे मुलाकात हुई है। मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। फिर भी मुझे बताओ कि तुमने उस क्रिया में आखिर किया क्या था, हाँ? मुझे डर है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये कि तुम मुझे बिना समझाए यहाँ से जाना चाहती हो? मुझे पहले खुद को समझाना है। डिटेक्टिव स्टोलमैन, उस किसके लिए माफी चाहती हूँ? ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर मुलाकात होगी।